नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय बिदुआ, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में उपचुनावों के नतीजों पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि यहां के नतीजों से इस बार कई ऐसे नए समीकरण गढ़ने में वाले साबित होंगे कि इस पर सबकी नजरें जमी हुई हैं। बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं, कई सारी। किन लोगों के लिए चुनौतियां वो आपको बताएंगे। कांग्रेस को जहां बंपर जीत की जरूरत है, वहीं बीजेपी की नजर भी इस बार जबरदस्त जीत पर है, क्योंकि उसके लिए जरूरी महज 8 सीटों पर जीत ही नहीं है। सिर्फ 8 सीटों पर जीतकर बीजेपी खुश हो जाए काफी नहीं है। दरअसल नतीजों के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद का भी फैसला होगा, क्योंकि वो बीजेपी में प्रदेश में नए हैं और इसीलिए इस बार 28 सीटों का नतीजा क्या होगा, इसका सबको बेसब्री से इंतजार है। और इसी इंतजार के बीच आज हम अपने खास कार्यक्रम आपके मुद्दों को एक अलग अंदाज में लेकर आए हैं, जहां देश के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बतौर गेस्ट जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर उनकी नजर में नतीजों की तस्वीर कैसी हो सकती है। हालांकि अभी ये महज एक अनुमान है, लेकिन इससे ये जानकारी सामने आ जाएगी कि मध्य प्रदेश का मूड कैसा है, यहाँ के सियासी समीकरण आने वाले दिनों में कैसे हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले दरअसल ताज़ा हालात क्या है, मध्य प्रदेश में वोटिंग के बाद मतदान के बाद क्या हलचल है, इसे समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। एमपी के सियासी दंगल के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी और कांग्रेस तमाम समीकरणों को खंगालने और वक्त रहते दुरुस्त करने की कवायद में जुट गई हैं। इस बीच एमपी में सत्ता का समीकरण कुछ ऐसा है। एमपी विधानसभा की कुल सीटें 230 हैं, लेकिन मौजूदा संख्या 229 है। एमपी में 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ है। बीजेपी के पास 107 सीटें हैं, उसे बहुमत के लिए सिर्फ 8 सीटों की जरूरत है। कांग्रेस विधायकों की कुल संख्या अभी 87 है, उसे बहुमत के लिए 28 सीटों पर जीत जरूरी होगी। हालिया दमोह की सीट खाली हुई है, जो राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के हाथ से फिसली है। जाहिर है कांग्रेस के लिए चुनौती बेहद कड़ी है, लेकिन बीजेपी की नजर भी अधिकतम सीटों पर जीत दर्ज करने पर है, क्योंकि जीत अगर हल्की रही तो भविष्य भी अनिश्चितताओं से भरा होगा। इधर राजधानी भोपाल में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने मतदान की समीक्षा के साथ मतगणना की तैयारियों पर चर्चा के लिए अहम बैठक की, जिसमें सीएम शिवराज समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। माना जा रहा है कि बैठक में आगे की रणनीति बनाने के साथ साथ प्लान बी को भी लेकर चर्चा हुई। इस चुनाव में संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर, बूथ लेवल पर जो बेहतर काम किया है और उभर करके आ रहा है, उसका परिणाम ये है कि आगामी आने वाले 10 तारीख को जो परिणाम होंगे, भारतीय जनता पार्टी 28 की 28 सीटें विधानसभा की जीतेगी। इधर कांग्रेस भी आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है। 11 नवंबर को कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक होगी। इससे पहले कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस सभी 28 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस ने अपनी रणनीति बना ली है। 3 तारीख को जो मतदान हुआ है, 28 के 28 विधानसभा क्षेत्र में हम कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। 11 तारीख को हमने विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें सारे विधायकों के साथ साथ बसपा, सपा, निर्दलीय सारे विधायकों का सम्मिश्रण रहेगा। हालांकि जीत के दावों का सच होना इतना भी आसान नहीं, शायद इसलिए कमलनाथ बीजेपी पर खरीद फरोख्त की सियासत करने का आरोप मढ़ रहे हैं, तो वहीं आरोपों को बीजेपी की ओर से खारिज भी किया जा रहा है। उपचुनावों में मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने 28 सीटों में खुलकर सच्चाई का साथ दिया है और भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो रहा है, ये एहसास हो रहा है कि वे चुनाव बुरी तरह हारने वाले हैं और मध्य प्रदेश के इस फैसले को कैसे स्वीकार करें। उन्होंने जो उपाय ढूंढा है कि फिर से सौदेबाजी करें, मेरे कई विधायकों से चर्चा हुई है, कई विधायकों और स्वतंत्र विधायकों ने मुझे सूचना दी है कि किस प्रकार से उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि सौदा हो जाए और फिर से बोली बोल के अपनी संख्या बनाएं। अगर जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति की है, श्री कमलनाथ जी ने की है, मध्य प्रदेश की राजनीति में गंदगी लेके आए हैं तो कमलनाथ लेके आए, लेकिन बाहरी कांग्रेस वो करे तो मैनेजमेंट, और हमारे पास कोई मन से आ जाए तो वो खरीद फरोख्त।
ये गंदा खेल कमलनाथ जी आपने शुरू किया, भ्रष्टाचार का लोक व्यापीकरण कर दिया आपने, राजनीतिक भ्रष्टाचार की शुरुआत मध्य प्रदेश की धरती पर किसी ने की तो कमलनाथ जी ने की, और आज हम पे आरोप लगाते हैं। कितनी कोशिश कर रहे कमलनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने ही फोन लगा ले, विधायकों को फोन कर रहे हैं, एक भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक टस से मस नहीं होने वाला। आरोप और प्रत्यारोप के बीच 10 नवंबर का इंतजार जारी है, जब जनता का फैसला सामने आएगा। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा के मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे कौन कौन मेहमान हैं, इस एग्जिट पोल को लेकर सबके अपने अपने अनुमान हैं, उनसे हम आपको मिलवा देते हैं। मेरे साथ रामशरण जोशी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इसके अलावा डॉक्टर राकेश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार, शिव अनुराग पटेरिया हमारे साथ आगे जुड़ेंगे इसी चर्चा में, सत्य प्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहले रामशरण जोशी, शुरुआत आपसे, उम्र के लिहाज से देखें तो भी आप सबसे वरिष्ठ हैं, अनुभव के लिहाज से देखें तो भी सबसे वरिष्ठ हैं, और आपका अपना अनुभव एग्जिट पोल्स का, कई चुनाव मेरे ख्याल से नेताओं ने जितने चुनाव लड़े नहीं उससे ज़्यादा चुनाव आपने कवर किए हैं, तो क्या कहता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के इन उपचुनावों में 28 सीटों पर आपका अपना एग्जिट पोल, आपका अनुमान? देखिए अक्षय जी, देश में 26 उपचुनाव हो रहे हैं जी, उसमें से 28 सिर्फ मध्य प्रदेश में है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अकेले राज्य में 28 उपचुनाव होना जी, 28 उपचुनाव हो रहे हैं। निश्चित ही सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने दावे करेगा, ये आम बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है जी, आरोप प्रत्यारोप भी राजनीति में आम बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस उपचुनाव में किसकी प्रतिष्ठा दांव पर है जी। ये ठीक है कि भाई बीजेपी चाहती है कि हमको 28 के 28 मिल रहे हैं, उधर कांग्रेस चाहती है, लेकिन एक बात साफ है जो मुझे लगा थोड़ा बहुत देख रहा हूँ बाई इलेक्शन को, कि एक बात तो साफ है कि बीजेपी को सरकार में बने रहने के लिए 8 सीटें चाहिए, और निश्चित रूप से 8 से ज्यादा सीटें उसको मिलेगी, ऐसा मैं मान के चाहता हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 22 विधायक जो सिंधिया जी के साथ गए थे कांग्रेस छोड़कर के और बीजेपी में गए, टोटल 25 विधायक कांग्रेस के गए, अब ऐसे में 22 के 22 विधायकों को टिकट मिल रहा है जो सिंधिया जी के खास समर्थक माने जाते हैं, और उसमें से 16 सीटें केवल अकेले ग्वालियर अंचल के अंदर हैं जी। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कि सिंधिया जी से ये बीजेपी को उम्मीद होगी, उम्मीद रहनी चाहिए और होगी भी कि वो कम से कम 22 में से 17 18 ये 20 सीटें कम से कम जीते, वैसे तो 22 की 22 जीतना चाहेंगे जी हाँ जी हाँ। लेकिन अगर ये 16 जो उसके ग्वालियर अंचल में है अगर इससे कम आती हैं तो निश्चित रूप से सिंधिया जी का जो लंबा राजनीतिक करियर शुरू होगा नई पार्टी के अंदर उसमें कहीं कहीं ब्रेक लग सकता है। दूसरी बात यह है कि 14 मंत्री चुनाव लड़ रहे थे किसी जो भी कांग्रेस छोड़कर के गए थे, अगर 14 में से अगर वो 14 लौटते नहीं है तो निश्चित रूप से मैं ये मान के चलता हूँ उनका राजनीतिक भविष्य फिलहाल कुछ समय के लिए अंधकार में होगा, क्योंकि वो न घर के रहेंगे न घाट के, ऐसी स्थिति में बीजेपी कितना उन्हें महत्व देगी, जो मंत्री जो चुनाव हार जाएंगे कितना महत्व देगी ये कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा हाँ जी, क्योंकि वो ये है कि सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा किसी की दांव पर है तो वो केवल 34 राजे सिंधिया जी की है। बिल्कुल सही बात है, और क्योंकि और उनके लिए एक बड़ी चुनौती भी है, आपको अपने आप को साबित भी करना है। बिल्कुल, चुनौती तो खैर है। ठीक है ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर राकेश पाठक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। पाठक साहब, आपका अपना अनुमान क्या कहता है मध्य प्रदेश के इन तमाम सीटों के चुनावों के नतीजों को लेकर? देखिए अक्षय, ऐसा मानता हूं कि आदरणीय रामशरण जोशी जी ने, हमारे बहुत अग्रज हैं जी, उन्होंने एक बेस लाइन इस पूरी चर्चा की तय कर दी है, और वही मोटे तौर पर इस उपचुनाव का आधार स्तंभ है अगर देखा जाए जी, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक भविष्य जी। उन्होंने जो जोखिम लिया अक्षय जी जी,
वो कोई बहुत मामूली जोखिम नहीं है जी। जो कदम उन्होंने उठाया कि जिस पार्टी में वे 18 साल रहे, 19 साल रहे, 17 साल सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और अनेक पदों पर रहे, मतलब बहुत लंबी फहरिस्त है अगर हम गिनाना शुरू करेंगे। और मुझे लगता है अक्षय जी, हम सब लोग कई बार गिना चुके हैं, जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी जी, उसके बाद जब उन्होंने कहा कि सम्मान नहीं था, तो बहुत सारे लोग हम और आप बता चुके हैं कि वे लोकसभा में नेता, उपनेता थे, चीफ व्हिप थे, मुख्य सचेतक, राष्ट्रीय महासचिव थे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे प्रियंका गांधी के साथ जी। दो, इसमें तीन करेक्टर हैं इस पूरे उपचुनाव में अक्षय जी, कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। हां, कमलनाथ के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है, उनके जिंदगी की ये आखिरी लड़ाई है जी। अगर वे हार भी जाएंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 40 साल से अधिक का उनका राजनीतिक जीवन है, केंद्र में मंत्री रह लिए, रिकॉर्ड तोड़, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे पिछली बार वे संसद में जी। शिवराज सिंह चौहान चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं जी। सबसे बड़ा जोखिम जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने। और सर ने जो कहा, जोशी जी ने कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल खास तौर से जी, इन 28 में से 16 सीटें जो हैं वो ग्वालियर चंबल अंचल में हैं जी। हम सर ने ग्वालियर अंचल कहा, मैं उसे ग्वालियर चंबल कहना चाहता हूँ जी, क्योंकि भिंड और मुरैना की भी सीटें उसमें हैं जी। और अब तक जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, मैं एग्जिट पोल में नहीं जाता ना, मैं एग्जिट पोल पर बहुत भरोसा करता हूँ अक्षय जी, पिछले इतने सालों में कई सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। अभी हम बिहार का एग्जिट पोल भी देख रहे हैं, आपके चैनल पर भी, तमाम चैनल्स पर चल रहे हैं जी। क्या हम ये भूल जाएंगे 2015 के एग्जिट पोल में बिहार में जो नतीजे बताए गए थे उसके उलट फैसले हुए थे, बाद में नीतीश कुमार चले गए दल बदल करके, अलग बात है, मतलब उन्होंने दल नहीं बदला, गठबंधन बदल करके। तो अभी मैं एग्जिट पोल के इन आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर प्रारंभिक तौर पर ये आंकड़े अगर आ रहे हैं जी कि ग्वालियर चंबल में सीटें कम हो रही हैं, तो ये सीधे सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला काम होगा। क्योंकि ये पूरा चुनाव, अक्षय आप फिर से दोबारा याद कीजिए उनके पिछले भाषण, 10-15 दिनों के चुनाव अभियान के कई अवसरों पर उन्होंने मंच से कहा कि ये चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जी, ये चुनाव महाराजा सिंधिया का है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है, हम लोग ग्वालियर अंचल के ही हैं, मैंने कभी उन्हें अपने मुंह से खुद को महाराजा सिंधिया कहते हुए नहीं सुना। लोकमान्यता में हम और आप कह सकते थे उन्हें, महाराज कह देते थे और स्वाभाविक चलन में था जी। तो ये पूरा चुनाव उन्होंने कहा कि सिंधिया घराने की प्रतिष्ठा का प्रश्न है जी, ये महाराजा सिंधिया का चुनाव है जी। हाँ, तो कल्पना कीजिए कि अगर इन 16 में से ग्वालियर चंबल की सीटों में से आधी सीट भी अगर हारते हैं, तो आप 10 तारीख की शाम 7 बजे भारतीय जनता पार्टी के अंतःपुर में से कई ऐसे स्वर सुनेंगे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरुद्ध होंगे। ठीक, ये भविष्यवाणी नहीं है, एक सामान्य राजनीतिक आकलन हम और आप कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास में। हमारे साथ आगे शिव अनुराग पटेरिया भी जुड़ेंगे, सत्य प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। शर्मा जी, कि आपका अनुमान क्या कहता है, आपने दोनों पत्रकारों की बात सुनी, हमारे दोनों सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आपका अपना अनुमान क्या कहता है? अक्षय जी, जी सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इस पूरे जो बाईपोल्स के जो रिजल्ट्स होंगे जी, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरेगी, मेरा आकलन है। लेकिन मुझे क्या देख, ये आई थिंक 16 को टच करेगी, नहीं नहीं मैक्सिमम, ये 16 को है क्या, ये चुनाव 16 को ग्वालियर चंबल संभाग में, ये चुनाव दो दो स्ट्रीम में लड़ा गया। अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्सेस कमलनाथ और कांग्रेस, कमलनाथ और शिवराज सिंह। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो 22 लोग गए थे, उनमें से 18 लोग ऐसे हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्लोज एड माने जाते हैं, क्लोज सपोर्टर माने जाते हैं। उन पर कांग्रेस ने प्रयास किया उन सीट्स पर कि इस सीट्स पर इलेक्शन ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्सेस कांग्रेस हो, टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ हो, इन दो चीजों पर कांग्रेस ने कोशिश की। लेकिन रेस्ट ऑफ सीट्स पर भाजपा वर्सेस कांग्रेस चुनाव रहा, यह चुनाव तीन चीजों पर टिका रहा, आपको बताऊं। पहला इसमें कंटेंट्स है रिगेन, रिटर्न और रीएस्टैब्लिशमेंट। रिगेन का मतलब ये बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है, चाहे वो कांग्रेस बीजेपी के स्टेट चीफ हो, नरेंद्र सिंह जी हो, शिवराज जी हो, इन तीनों ने ये ताकत झोंकी है कि हम कम से कम 10-12 सीटें तो लेके आए। आप जो कह रहे हैं, क्या उसकी वजह ये है कि कोई डर था, क्या कोई डर था, मेहनत ज्यादा की, मतलब आश्वस्त कम थे? निश्चित रूप से मैंने आपसे कहा कि हाँ,
ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भाजपा को उन सीट्स पर बड़ा डर रहा जिन सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की शक्ति या पावर जहां माना जाता है, बल्कि इससे आश्वस्त क्योंकि ज्योतिरादित्य, जैसा कि राकेश पाठक जी ने अभी मेरे वरिष्ठ पत्रकारों ने, लेकिन इससे तो आश्वस्त होना चाहिए अगर महाराज का साथ शिवराज को मिल रहा था ग्वालियर चंबल की। नहीं, यहां पर आप अक्षय जी एक बात बहुत महत्वपूर्ण सुनने की चीज है कि डबरा में भमोरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने यह स्वयं कहा कि यह चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया का ना इधर कांग्रेस नॉर बीजेपी, जब ये उन्होंने बीजेपी को भी बॉयकॉट कर दिया, ये चुनाव अपने ऊपर ले लिया, तो ये निश्चित रूप से मान लिए कि यहां पर फाइट में कांग्रेस के सामने बीजेपी नहीं थी, यहां पर फाइट में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। वो क्या उन्होंने क्या चाहा, इसलिए उन्होंने टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा यहां पर लाए। और अगर कांग्रेस मेरे ख्याल से 16 में से यहां 12 सीट्स पर 11 से 12 सीट पर कांग्रेस विक्ट्री रजिस्टर्ड करेगी। एक सवाल, एक सवाल है, लेकिन मालवा की सीट्स, ठीक है मैं एक सवाल जरा मालवा की सीट पर, जहां मालवा हाँ आप अपनी बात पूरी कीजिए, बात पूरी कर लीजिए आप अपनी, शर्मा जी सत्यप्रकाश हाँ मालवा की जो सीट्स मालवा की जो सीट्स हैं, मालवा की सीट्स आरएसएस का मालवा का एरिया गढ़ माना जाता है। अच्छा, वहां पर बीजेपी ने यह प्रयास किया कि यहां पर जो कंटेस्ट है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो, ना कि सिंधिया वर्सेस कांग्रेस हो, जिससे कि बीजेपी को जो घाटा होना चाहिए था, जो वोट उनका कटना चाहिए था, वो वोट नहीं कटा। वहां पर बीजेपी अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। और टोटल अगर अपन बात करते हैं पूरी 28 सीट्स में, तो मैं बीजेपी को 12 तक सीटें देता हूं, 12 से 13, और रेस्ट ऑफ सीट कांग्रेस को मिली। कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरेगी इन 28 में से। ठीक है, कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरेगी, आपका अनुमान ये कहता है। शिव अनुराग पटेरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पटेरा साहब स्वागत है आपका हमारे शो में, न्यूज स्टेट में, और आप थोड़ा सा विलंब से आए तो आपकी अमूल्य प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार है, प्रतीक्षा है। आपका अपना अनुमान इन उपचुनावों को लेकर मध्य प्रदेश में क्या कहता है ये फाइट? हाँ, बोलिए। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी होकर उभरेगी, और भारतीय जनता पार्टी की नंबर ऑफ सीट 16-18 हो जाएंगी, और जो कांग्रेस है वो 10-12 होगा, और अगर बीएसपी कुछ लेती है तो 0-1 का मेरा आकलन है। और इसके पीछे मेरे एक साइंटिफिक थ्योरी है, पिछले 4 चुनाव का जो वोट परसेंटेज है और दूसरा बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है वो ये बताता है कि भाजपा कभी भी इन 4 चुनाव में अगर एवरेज की जाए तो स्ट्राइक रेट 64.26% रहा है, और वोट शेयर अगर 4 चुनाव में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का 41.51 और कांग्रेस का 35.32% रहा है, एवरेज किया है 2003, 2008, 2013, 2018 में। आज स्थितियां चंबल मालवा में, चंबल से लेकर मालवा तक सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने से कुछ प्रतिकूलताएं हैं, इसलिए नंबर ऑफ सीट्स कांग्रेस की बढ़ेगी मेरे गणित से, क्योंकि मेरा गणित जो कहता था वो 9 सीटों के आसपास कांग्रेस को रखता था और 18 सीटों के आसपास बीजेपी को रखता था। लेकिन जिस तरह के का एक सेंटिमेंटल इशू खड़ा हुआ है, वफादार बनाम गद्दार, ईमानदार बनाम बेईमान, तो इसका नुकसान कैसे होना है? इसका नुकसान सबसे ज्यादा अगर कोई होगा तो चंबल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जो सिंधिया के साथ आए मुझे भी, हाँ। उनको 16 में से मुझे लगता है आधे सीटों का नुकसान होगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप सबका आकलन इसी तरफ इशारा कर रहा है, और आप जितने भी लोग हैं आप मेरी इस बात से सहमत भी होंगे कि ये जो सिंधिया के साथ आने वाले जो लोग हैं उन्हें गद्दार कहकर जनता इस बार उनके प्रतिकूल तो कम से कम कोई फैसला नहीं देने वाली, अपना मैंडेट नहीं देने वाली है। राकेश पाठक जी, सवाल मेरा ये है आपसे, ये आप इस बात से सहमत हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर बीजेपी को कहीं उठाना पड़ेगा तो एक ग्वालियर चंबल अंचल में ही, और उन लोगों के कारण जो आप कांग्रेस के गद्दार कहे जा रहे हैं? निश्चित तौर पर अक्षय जी, जैसा कि पटेरिया साहब ने भी कहा और मेरे सत्यप्रकाश ने भी कहा, बहुत अच्छी बात कही सत्यप्रकाश जी ने कि ये पूरा जो चुनाव है जी, मैं उसे थोड़ा दूसरे शब्दों में कहना चाहता हूँ, लगभग भाव वही है जो सत्यप्रकाश का था, कि ये चुनाव सिंधिया वर्सेस जनता के रूप में बदल गया असल में। अच्छा, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो नरेटिव कांग्रेस पार्टी तय कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी उस धरातल पर आकर चुनाव लड़ रही थी। आप देखिए, गद्दार शब्द कांग्रेस ने चलाया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने मुंह से कहने लगे हाँ मैं गद्दार हूँ।
मैंने जनता के लिए गद्दारी की है, मैंने जो विकास कार्य नहीं कर रहे उसके लिए की है। जी हाँ, एक आइटम शब्द को लेकर नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, कांग्रेस ने उसे हाथ ही नहीं लगाया। एक दिन दो घंटे का मौन हुआ भारतीय जनता पार्टी का। तो ये पूरा चुनाव अभियान कांग्रेस दो शब्दों को लेकर चल रही थी, बिकवाली और गद्दारी। पूरा चुनाव इन दो शब्दों के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गया। ठीक है, इसके परिणाम क्या होंगे हम और आप नहीं जानते, लेकिन मतदाता निश्चित तौर पर इन्हीं दो शब्दों के आधार पर कोई निर्णय लेने जा रहा है। ठीक है, मैं एक सवाल साहब ठीक कह रहे हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल में जो भी खामियाजा भुगतना होगा। जी ठीक है, एक सवाल राम शरण। हाँ बिल्कुल, ये जो नुकसान है प्रत्याशियों के बाद प्रकार अंतर। एक सवाल बड़ा कॉमन है और वो बहुत जरूरी भी है जोशी साहब। ये रामशरण जोशी जी, ये चुनाव बहुत कुछ हद तक तय करेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भविष्य मध्य प्रदेश बीजेपी में क्या होगा। देखिए, मैं तो बहुत पहले ही कह चुका हूँ कि क्योंकि इस सब में अगर कोई यंग है तो वो है सिंधिया जी। सिंधिया जी का पूरा भविष्य इसके चुनाव परिणामों पर टिका हुआ है। लेकिन मैं यहाँ एक बात याद दिला दूं, जो पिछली बार 2018 में चुनाव हुए थे उस समय भी उन्होंने एक नया नैरेटिव तय किया था ग्वालियर संभाग में, खासतौर से अपने अंचल में, कि ये आप मुझे वोट देंगे, कांग्रेस को नहीं, मुझे वोट देंगे। ठीक, उन्होंने यही इस बार भी कोशिश की कि बीजेपी के सर नहीं, अब मुझे वोट देंगे। तो इसका जो उन्होंने अभी पटक जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये कांग्रेस वर्सेस सिंधिया हो गया। अगर ऐसी स्थिति में नहीं तो इन लोगों, ठीक है इन लोगों को नुकसान जो है, नुकसान सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों को है, जो सिंधिया समर्थक हैं, जो बीजेपी में आए हैं, उन्हें आप सबसे ज्यादा नुकसान देख पा रहे हैं सत्यप्रकाश जी। यस अक्षय जी, यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो नुकसान की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, लौटूंगा। उनमें से 18 लोगों को, उन्हें 14 लोगों को मंत्री बनाया। एट प्रेजेंट 12 मंत्री हैं। लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिन सीट्स पर कांग्रेस से आए लोग सिंधिया के सपोर्टर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं, वहां पर पहले से ही बड़े कद्दावर लीडर हैं। जैसे ग्वालियर सीट्स पर बात करें, ग्वालियर सीट पर 15 पर जयभान सिंह पवैया जी, ग्वालियर ईस्ट पर माया सिंह जी, ठीक है, सांची में सेजबार फैमिली। इसी प्रकार से अगर हम बहुत सारी सीट पर चर्चा करें तो उन कद्दावर बीजेपी के लोग हाट पिपलिया में भी, जैसे उन लोगों का भविष्य अंधकार में दिखता है यहाँ पर है, वो आखिर चुनाव लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज का इंटरनली भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ठीक है शिवनराव पटेल जी, ये बीजेपी ये सोचकर लेकर आई थी, संगठन जो है, पार्टी जो है, वो यही सोचकर लेकर आई थी कि इससे फायदा होगा, लेकिन आप सबकी जो राय है उससे नुकसान होता दिखाई दे रहा है। पटेल साहब, अक्षय जी, बिल्कुल नुकसान नहीं होता दिखाई दे रहा मुझे। एक तो सरकार मुफ्त में आपको मिल गई, और अगर 50% लोग कुर्बान भी हो गए तो उनको कहीं ना कहीं एक्मोडेट कर लिया जाएगा। और जोशी जी की वो बीजेपी के सीनियर लीडर्स, वो जो माइलस्टोन थे बीजेपी के सीनियर लीडर्स, वो एक तरफा हो गए। देखिए, एक जब बड़ा प्रवाह होता है, एक जब बड़ा आंदोलन होता है, बड़ी पार्टी होती है, तो उसके लिए बहुत से लोगों को कुर्बानियां देना पड़ती हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता धीरे धीरे समायोजित हो जाता है। आज ही भाजपा के एक बहुत ही बड़े नेता से मेरी बात हुई, उन्हें कहा इट विल टेक नियर अबाउट 3 to 5 years और सिंधिया होमोजीनियस हो जाएंगे हमारे साथ में। सिंधिया को लेके बहुत आश्वस्त है, उनका कहना है दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक राजमाता विजयाराजे सिंधिया की लीगेसी को। चलिए अंतिम मैं आपसे शुरू करता हूं, मैं मेरे पास सिर्फ एक मिनट है अंतिम, मैं सिर्फ आप लोगों से आपका एग्जिट पोल पूछते हुए आगे बढ़ूंगा। पटेल साहब, आपसे बीजेपी और कांग्रेस कितनी सीटें? देखिए, संक्षिप्त में सिर्फ सीटों की संख्या, समय का, 16 से 18 भारतीय जनता पार्टी और 10 से 12 कांग्रेस, 0 से 1 बीएसपी। ठीक है सत्यप्रकाश जी, सीटों की संख्या 16 कांग्रेस, 15-16 कांग्रेस, 12 बीजेपी। ठीक है, 15-16 कांग्रेस, 12 बीजेपी, 11-12 बीजेपी या फिर 1 बीएसपी। ठीक है सर, राकेश पाठक जी, संख्या सिर्फ 16 से 18 कांग्रेस, बाकी बीजेपी, बीएसपी की संभावना किसी एक सीट पर हो सकती है। ठीक है जोशी साहब, रामशरण जोशी जी, यद्यपि ये सब आंकड़े बाजी है, कांग्रेस को कम से कम 15 सीटें मिलनी चाहिए, 14 से लेकर 16 के बीच में, और ये उसके लिए काफी अच्छी बात रहेगी।
क्योंकि बीजेपी अगर 9 या 10 पे सिमट जाती है या 11 12 पे सिमट जाती है तो मैं ये मान के चलता हूँ ये उसके एक तरीके की हारी होगी। इतनी हो जरूरत इस बात की है कि वो 15 से ऊपर ले, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए। रामशरण जोशी जी, राकेश पाठक जी और शिव अनुराग पटेरिया जी और सत्यप्रकाश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जानी चाहिए कि अगले 10 तारीख का इंतजार कीजिए, क्योंकि 10 तारीख सामने आते ही ये तमाम कयास, अनुमान, एग्जिट पोल्स सब कुछ रुक जाएंगे और प्रदेशवासियों को मिलेगा उनका अपना फैसला। नमस्कार।